Hi guys, welcome back to my channel. ऐसे मैं ड्राइव करूँ मुझे डर लगता है ज़्यादा. एनीवेज ये एक बहुत ही रैंडम व्लॉग है जो मुझे पता भी नहीं है ये यूट्यूब तक यू नो विल इट मेक. इंग्लिश में आई मीन विल इट मेक इट टू द यूट्यूब आई डोंट नो. बट या अब मैं साक्षी जा रहे गाँव और हम पहुँचे अभी कुफरी. अभी एक बर्फ नहीं गिरी है तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस लो ही रखना कुफरी के बिना बर्फ को ले. ये हमारी ड्राइवर, ये मेरी पर्सनल ड्राइवर. हाँ, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी यार. अगर मैं ऐसी वीडियो डालूंगी ना तो सब मुझे बोलेंगे कि तुम नीचे कमेंट्स में तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी, क्योंकि ना इसकी सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट है और उससे मेरी सांस अटक जाती है. एंड ऑल्सो हिमाचल में ये मुझे पता नहीं है, पहले ऐसा रूल था कि हिमाचल में ना सीट बेल्ट नहीं पहननी पड़ती क्योंकि अगर गाड़ी गिर जाए है ना, ऐसे मुझे ऐसी अशुभ बातें नहीं होनी चाहिए, बट अगर गाड़ी गिर जाए तो इंसान कूद के निकल सकता है ना, तो नहीं तो गाड़ी के साथ ही छूट के निकल सकता है. बट अगर नहीं निकली तो फिर हम उसमें मर जाएंगे. हाँ, गाड़ी बचेगी तो कितनी बचेगी यार इतनी स्पीड में. उसने मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है. तुम्हें थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है, इसे पाला बोलते हैं वैसे तो हम. बर्फ के नाम पे बेइज्जती है मैं ना इधर से व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे पता है मेरी डबल चिन दिख रही है, मैं बहुत मोटी लग रही हूँ तो मैं आगे से बिल्कुल व्लॉग बनाऊंगी अब. एंड ऑल्सो आई वॉज सो कीन टू मेक अ व्लॉग, लाइक आई वॉज सो एक्साइटेड, बट तुम मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स ही नहीं कर रहे हो तो फिर मैंने सोचा अब लेट्स मेक अ व्लॉग. और मेरे को बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू इट और मेरे को आदत है ना कि मैं स्क्रीन में देखूँ, पहले तो मैं ट्राइंग कि मैं इसमें देखूँ, ठीक है. सेकेंड ऑफ ऑल कि मैं मोटी हो गई, मैं डबल चिन दिख रही है. एंड थर्ड ऑफ ऑल ये बहुत भारी है. और फोर्थ भी आ गया अब कि मैं अपना सर काट रही हूँ यार, मेरी बाजू बहुत छोटी है. ये ठीक है, आँखें भी आ रही है, डबल चिन भी नहीं दिख रही है. देख तुझे कितना कूल ले रही हूँ मैं और खुद को ऐसे ले रही हूँ आलू जैसा. अरे भाड़े के कपड़े मैंने साक्षी के पहने टुडे. लाइक हम ना घर से डिसाइड करके निकले कि हमें फोटोज लेनी आज, ठीक है. कहते ठीक है फोटोज लेने के लिए तैयार होगी, तो मैं तो कपड़े लाई नहीं थी तो मैंने साक्षी के कपड़े पहने. मैंने साक्षी से पहले तो मुझे पहनने नहीं दे रही थी क्योंकि वो बोलती कि अगर तू मेरे पहन के कपड़ों में फोटो डालती है तो लोग बोलते हैं कि मैं तेरे कपड़े पहनती हूँ, मतलब लोग बोलते हैं कि साक्षी चौहान स्वाति चौहान के कपड़े पहनती है. तो मैंने बोला नहीं यार दीदी ऐसा तो कुछ नहीं है, तेरे तो 200 फॉलोअर्स है, क्या ही क्या ही फर्क पड़ेगा. और तो भी उससे मुझे कपड़े नहीं पहने थे, बस कपड़े थे नहीं. तो अब एक ही उस पर साक्षी ने मुझे अलाउ किया है कपड़े पहनना उसके, कि तू नीचे कैप्शन में लगेगा भाड़े के कपड़े रेंटेड फ्रॉम साक्षी चौहान. तो मैंने बोला ठीक है यार कुछ चाल नहीं तो बड़ी की फोटो. तो मैं भाड़े के कपड़े एकदम फ्लॉन्ट करते हुए भाड़े के कपड़ों में आज हम फोटो लेंगे. साक्षी ने बोला था हमने फोटो यहाँ खींची थी बीच सड़क में और गाड़ियाँ देख रही है कितनी आ रही है, पर रोड तो अच्छा ही है, सुंदर देख रहे हो हमारे गांव का रोड कितना अच्छा है, मेटल एकदम. असलियत ये नहीं है वैसे, असलियत तुम्हें बाद में पता चलेगी. अभी हम मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं फ़ोन चला रही थी बहुत ज़्यादा तो मेरी तबीयत खराब हो गई है. अभी हम मार्केट पहुँचे, अभी हम कुछ लेंगे जो हमारे वर्कर्स हैं वहाँ पे उनके लिए और जो मिस्त्री काम कर रहे हैं उनके लिए. मिठाई वो भी ओके है. शर्मा रही है चिटकू और गुड़िया. साक्षी का घर का नाम गुड़िया है. गुड़िया ये बड़ी चलाक है ना, ऐसे बन के करती है कि बड़ी इनोसेंट होगी टाइप्स वाले लोग इसके पीछे पागल हो जाते हैं प्यार में. कितनी ऐसी है बोलती नहीं है, मिस्टीरियस ही लड़के हैं जिनके पीछे लड़के पागल होते हैं वैसे बनने की कोशिश होती है. ये देखो मैं दो पैकेट गुलाब जामुन लाई, तुझे पता है मिल के कितना महंगा था, 400 कुछ रुपये किलो. ओके इतना भी बहुत हिट नहीं होता है. और ना जब ना मैं वो कर रही थी ना उसको जब मैं ले रही थी ना तो मैंने ना ऐसे अपने फ़ोन से थोड़ी सी क्लिप बनाई और आंटी बोलते क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बोला आंटी मैं ब्लॉगर हूँ. अच्छा सच सच बताऊँ क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ. It is so embarrassing for me just to like it is just so embarrassing for me to shoot in front of people because first ki mereko aadat nahi hai na waise, but it's okay, dheere dheere maybe
पर मैंने सोचा है, फिर आंटी चिल हो गई थी मेरे साथ कि मैं बना दूँ, शूट कर लूँ फ़ोन से, बट देन आई वाज लाइक वेरी ऑकवर्ड, सो आई डिड नॉट. क्यों लग नहीं रही मैं यूट्यूब पे? नहीं नहीं लग रही हूँ. देखो कितना अच्छा मेरा कैमरा है, सुंदर हूँ मैं. यूट्यूबर लग रही हूँ एकदम. नहीं लग रही यूट्यूबर. चैनल का नाम क्या है? स्वाति चौहान. हाय बोलो. हाय. हाय, क्या क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम स्नेहा है. स्नेहा. और आपका? पीयूष. पीयूष. और आपका? वंश. क्यों से आपने भी बनना है यूट्यूबर? नहीं. अभी साक्षी ने कुछ बच्चों को लिफ्ट दिया है, तो अभी मतलब रास्ते में आएगा. हमें पता तो नहीं एग्जैक्टली कहाँ है जगह, तो रास्ते में आएगी तो हम इसे ड्रॉप कर लेंगे. दीदी का बड़ा दिल है. टिंग टिंग, हमारी हीरोइन दीदी. अब हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गांव पहुँचने वाले हैं. तो तुम्हें दिख रहा है सबसे टॉप पे? मुझे नहीं दिख रहा है. वहाँ हमें टॉप पे जाना है, एकदम टॉप पे. तो गाना बंद करना, मेरे कॉपीराइट पड़ रहा है. साली चोर गई. बंद करा कर मुझे. अच्छा वो देखो 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 इसके ड्रामे देखो. एनीवेज वैसे फक सॉरी यार, मैं गाली नहीं मारना चाहती, बट देखो कितनी बड़ी बस है ये. देखो तुम देखो, मेरे को बड़ा डर लगता है. इतनी सी सड़क है, इतनी बड़ी ट्रक बस है. आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो. बहुत जगह आने दो. अरे किस साइड से आ रहा है साला? सेफ साइड से गया. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब कोई ड्राइव कर रहा है वो हमारी साइड है, हमें उस साइड से जाना चाहिए था, पर वो चालाक था क्योंकि इधर से नीचे वो है ना, तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर को ले लेते हैं, ढाक वाली साइड रख देते हैं. तभी मैं ड्राइविंग नहीं सीख पा रही हूँ, लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं. तभी मेरे को डर लगता है मेरे से. अगर मैं पापा ने एक्चुअली मुझे एक बार ड्राइविंग सिखाने की कोशिश की थी, पर मेरे सामने जब बड़े बड़े ट्रक आते ना, तो एक बार मैंने स्टेयरिंग छोड़ दिया था क्योंकि मैं डर गई. तो मेरे को ऐसे बहुत डर लगता है जब बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझसे निकल नहीं पाएगी. जबकि आई एम अ वेरी गुड कंडक्टर. क्या सुहा, तेरे को कितनी बार मैंने बोला आने दे आने दे आने दे आने दो आने दो आने दो आने दो. बल्कि मैं देखो अभी बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी व्लॉग में क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी नहीं तेरे व्लॉग में. आना तो पड़ेगा, ये गाड़ी चला रही है, मैं तो ले लूँगी. बोलती मैं कुछ बोलूँगी नहीं तेरे व्लॉग में. तो मैंने बोला मत बोल, वैसे भी तो कुछ बोलेगी नहीं बोलेगी, लोगों ने तो ऐसे लगना है ब्यूटीफुल सिस्टर कितनी अच्छी है, कितनी इनोसेंट है ना. बोलती मुझे डालने नहीं देगी व्लॉग. चुप रही हो एकदम, कुछ मत बोलो. गाड़ी चला टोक पाती है. अगर पापा ने व्लॉग देखा ना, ऐसे बोलेंगे तुझे तो भेजना ही नहीं है. मेरी मम्मा ने एक्चुअली एक बार मुझे बोला था कि मैं डिस्ट्रैक्ट करती हूँ लोगों को गाड़ी चलाते हुए, ये खुद तो आती नहीं है, दूसरों को भी नहीं चला देती. मैंने इंटरटेन करती हूँ इनकी बोरिंग लाइफ को, रंग भर देती हूँ इनकी इनकी बुक. अभी जो इनकी ज़िंदगी है ना, वो ऐसे खाली कैनवास जैसी है, मैं रंग भर देती हूँ. ओह फक फक कैमरा बंद होने वाला, ब्लिंक हो गया. बहन जो दो दिखाए थे अभी डंडे, एकदम से धोखा दे दिया मुझे. ब्लिंक हो रहा है यार, बाय. अब फोन से बनानी पड़ेगी सारी वीडियो. देहा भी पूरा नहीं दिख पाया और फोन ऑफ, फोन बोल रही हूँ कैमरा ऑफ हो गया. अब आ गई हमारी वो वाली सड़क जिसकी बात मैं कर रही, शन एकदम. मैं दिखाती हूँ अभी नेक्स्ट क्लिप में कितनी अच्छी हमारी सड़क है. तो अभी तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, डांसिंग कार बन गई गाड़ी. अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारी सड़क एकदम शन. देखिए हमारी सड़क एकदम, वाह क्या सड़क है. नमस्ते जी. किसी को लिफ्ट देने वाली अभी. सड़क खराब है तो क्या हुआ, सुंदर तो है ना. दादू हाय बोलो. हाय. कैमरा बोल दो हाय. दादू हमारे पड़ोसी दादू, जो हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम मन्नू के साथ खेलते थे. हम सड़क के ऊपर रहते हैं, दादू सड़क के नीचे रहते हैं, है ना. अब तो और नजदीक हो गए. तो और नजदीक हो गए हम. हाँ हाँ, क्योंकि हम ऐसे पास आ गए उसने. देखो हम आपको भूले नहीं, आप हमें भूल गए होंगे, आप तो पर है ना, शक्लें भूल गए आप हमारी. अब मेरी उम्र बहुत है ना. जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम यहाँ आते थे क्रीम रोल खाने, तभी फ्रेश क्रीम रोल बनाते थे. दादू उतर गए, पर एक्चुअली द थिंग इज क्योंकि क्योंकि क्या, ये देखो भगवान जी, तो उल्टा मैंने पकड़ा हुआ है. दादू उतर. ओ यार तुम्हारे को ये दिखाती हूँ, आ गए हमारा घर. हाय कितना अच्छा लग रहा है यहाँ की हवा, इतनी ताजी ताजी सी लग रही है. अब ये देखो शगा शगा.
ये इसको हम जानते हैं ना, बट आई लव डॉग्स, सो आई वुड लव यू आल्सो। मेरे पास नहीं है चाबी गाड़ी की, मेरे पास कैसे होगी? नेपाल से। आंटी क्या एक्सचेंज गिफ्ट ऑफर चल रहा है आपके लिए? कोटी है ना, कोटी है। सूट वूट तो मम्मा लाएगी जब अभी आना है मम्मी ने, ठीक है। और मेरे 15-20 हजार के मोबाइल चाहिए। 15-20 हजार का डिमांड है जब आएगी इधर। मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। और कौन सी मिठाई होगी इसमें? पता नहीं है आपको कौन सी मिठाई पसंद है? यही वाली। कौन सी? जो वाली मेरे का नाम ही पता ही नहीं है कैसी दिखते हैं। मैं तो कुछ बोलो, कुछ डिस्क्रिप्शन दो, कुछ कैसी दिखते हैं। जो वाले मम्मी ने नहीं लाया था उसी वाली, जो मम्मी ने वाली में क्या दिवाली में लाया था मम्मी ने, वो डब्बे से मेरे को नहीं पता मम्मी ने क्या लाया था। पर मैंने आपके लिए गुलाब जामुन लाया तो मस्त एकदम। ठीक, मेरी आंटी बहुत अच्छा डांस करती है। मेरी आंटी नाच के दिखाएंगे थोड़ा सा? दिखा दो, दिखा दो। गाना तो डाल नहीं सकते, कॉपीराइट इशू हो जाता है। नाच लो। बढ़िया, एकदम बढ़िया। ओहो हो, मेरे गिफ्ट आएगी मोबाइल, मेरी सर्दी नौकरी खाएगी, 1,00,000 यही मेरे शुभकामना, ठीक है। थैंक यू, चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं ना। तो ये हमारा घर आ गया। कितने मील बन दिए तू।